दरअसल ये खबर जुड़ी है कैबिनेट के फैसले से, जिस पर अब बवाल है। और फैसला ये हुआ था कैबिनेट में कि जुमे की नमाज के वक्त अल्पकालिक अवकाश दिया जाएगा, इसी को लेकर अब बवाल है। और हरीश सरकार फंसती हुई नजर आ रही है अपने ही फैसले पर। लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत लीपापोती की कोशिशों में भी जुट गए हैं। उन्होंने ये अब कहा है कि धार्मिक अवसरों पर कर्मचारियों के अनुरोध को देखते हुए अवकाश देने का ये फैसला किया गया था, विशेष अनुरोध था सरकारी कर्मचारियों का, और इसी के बाद ये फैसला किया गया कि अल्पकालिक अवकाश दिया जाएगा। हालांकि हरीश सरकार ने फैसले में धार्मिक अवसरों का नाम नहीं बताया है कि वो कौन कौन से धार्मिक मौके होंगे जिन पर ये अल्पकालिक अवकाश दिया जाएगा। और बड़ा सवाल इसी के साथ ये पैदा होता है कि बड़े धार्मिक त्योहारों में जब ऑलरेडी गजटेड छुट्टी होती है, ऑलरेडी गजटेड हॉलिडे होता है, तो मुख्यमंत्री फिर कौन से धार्मिक मौके पर अवकाश देने की बात कर रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या हरीश अब तुष्टीकरण की तिकड़म से सत्ता वापस पाना चाहते हैं, और जीत के लिए क्या किसी भी हद तक जाएंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत। क्या हरीश सरकार उत्तराखंड को अवकाश प्रदेश बना देना चाहती है, और क्या राज्य सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो साल भर छुट्टी पर ही रहे। तो तुष्टीकरण की सियासत से प्रदेश का बेड़ा गर्क करने पर आमादा है हरीश रावत। लीपापोती की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन ये कोशिश बेहद सतही नजर आ रही है। अपने ही तर्क में और अपने ही जवाब में अब मुख्यमंत्री हरीश रावत उलझते हुए दिख रहे हैं। फैसला ये है कि उत्तराखंड के जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर जुमे की नमाज के लिए अल्पकालिक अवकाश दिया जाएगा, और ये अल्पकालिक अवकाश तकरीबन 1.5 घंटे का होगा। इसके लिए बाकायदा शनिवार को कैबिनेट बैठी, और कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित कराया गया। तो आपको हम बताएं कि 1.5 घंटे की जो छुट्टी देने का मसला है, ये शनिवार को तय हुआ। हरीश रावत सरकार के इस फैसले को बड़े चुनावी स्टंट के तौर पर भी देखा गया। सियासत इस पर शुरू हो गई, बीजेपी ने घोर आपत्ति जाहिर की, और बीजेपी ने साफ कर दिया। नलिन कोहली ने ये बात कही कि फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, वोटों के लिए रावत सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। नलिन ने दरअसल सवाल भी पूछा कि उन्होंने जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम लोगों को तो 1.5 घंटे का ये अल्पकालिक अवकाश देने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर हिंदू भी कहेंगे कि सोमवार को भगवान शंकर की पूजा के लिए, मंगलवार को बजरंग बली की पूजा के लिए, बुधवार को किसी और देवता की पूजा के लिए अगर हमें भी छुट्टी चाहिए, तब सरकार क्या करेगी? कल को अगर हिंदू समाज ये तय कर ले, सारे धर्म गुरु तय कर ले कि सोमवार को शिव जी की होगी, मंगलवार को हनुमान जी के लिए 2 घंटे की पूजा की चाहिए, तो क्या सारे दफ्तरों में फिर ये करेंगे? समानता की बात हो जाए, वोट की राजनीति के लिए संविधान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। वो लोग अपना विरोध दर्ज करवा दें, अगर उनको ठीक नहीं लगता है, अगर ये चुनाव स्टंट है। 1400 करोड़ रुपया और 800 टन सोना खा करके वहाँ अयोध्या में जो है भगवान राम का मंदिर बन गया है, तो अगर कांग्रेस कुछ अच्छा करे लोगों के लिए तो उनको बड़ी तकलीफ होती है मुझे लगता है। तो किशोर उपाध्याय का जवाब आपने सुना, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि हरीश रावत ने बिल्कुल अलहदा जवाब दिया है। हरीश रावत ने ये कहा है कि कुछ खास धार्मिक अवसरों के मौके पर ये अल्पकालिक अवकाश दिया जाना है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पहले आपस में कम से कम सामंजस्य बनाकर जवाब दें। हेम भट्ट मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है इस समय। हेम, पहली बात तो ये कि किशोर उपाध्याय और हरीश रावत, इन दोनों ने बचाव के जो तरीके अख्तियार किए वो बिल्कुल अलग है, और हरीश रावत की बात को अगर सर्वोपरि समझा जाए, क्योंकि वो सूबे के मुखिया है, तो वो ये तो समझा दें जरा कि ऑलरेडी जब गजेटेड हॉलीडेज होते हैं तो फिर कौन से धार्मिक मौके की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। जब ये फैसला लिया था, कैबिनेट ने साफ तौर पर कहा था कि जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को दोपहर के वक्त 12:30 से 2 बजे के बीच उनको अल्पकालिक अवकाश दिया जाएगा, ये कैबिनेट में तय हो चुका है। लेकिन इसके बाद जब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले की आलोचना हुई, और उसके बाद जब लगा कि सरकार एक तरह से इस फैसले के बाद कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ी है, तो ये फैसला अब मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस तरह से बदलाव किया है कि वो कहते हैं कि इसमें क्या कुछ निर्णय है वो हम देखेंगे, अनुरोध पर लिया जाएगा। क्या कुछ हरीश रावत मुख्यमंत्री ने अब इसमें बदलाव किए हैं, हमारे साथ जानने के लिए गरिमा हम पूछेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ है। पंकज, क्या बदलाव किया है सरकार ने? एक बड़ा स्टेप उठाया था, फिर पीछे बैक खींच लिया। देखिए, ये तो लीपापोती वाली स्थिति है,
और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर धर्म और जाति पे बात नहीं होती है, कहीं पे भी दंगा होता है लेकिन उत्तराखंड में इस तरीके की चीजें नहीं होती है। लेकिन उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार ने वो भी करने की कोशिश की है उत्तराखंड में, और जिस तरीके से जुम्मे के लिए एक छुट्टी देने की कोशिश की है, उसकी जरूरत नहीं थी। अगर जितने मुस्लिम भाई हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो लंच के समय जाते हैं और उस समय वहां पर अपनी नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत ने कोशिश की है एक जो प्रदेश का सौहार्द बिगड़ने की कोशिश करने की यहाँ पे कोशिश हुई है, उनका विरोध भी हुआ है, जिसकी वजह से हरीश रावत ने अब ये कहा है कि नहीं, अब केवल मुस्लिम समाज के लिए नहीं, जो भी मांगेगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्लॉज ये डाल दिया है कि अनुरोध के आधार पर अगर कोई अनुरोध करेगा तब उनको दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम जो जुम्मे की नमाज के लिए तो कैबिनेट के लिए फैसला होता है, और अब हरीश रावत जब चारों ओर से फजीहत हो रही है तब अब वो अपने आप ही फैसला ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर काफी कुछ जो है वो हरीश रावत इस पूरे मसले पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। जी गरिमा, तो आपने देखा कि एक फैसला लेने के बाद सरकार वापस इस फैसले पर आई है, और कुल मिलाकर सरकार को जब लगा कि पूरी तरह से कटघरे में सरकार है तो पीछे पांव खींच लिए। एक सवाल और बनता है इसमें कि क्या जो जिस समय ठीक है, इसकी टाइमिंग बड़ी अलग थी पंकज, क्योंकि इलेक्शन का ये टाइम था, एक बार फैसला लेना और राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से इसकी आलोचना हुई, क्या इसकी वजह से ये कदम पीछे लिए गए? देखिए, हरीश रावत तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तो ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं तो उनको अपने एक मुख्यमंत्री के बारे में, वो शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे भी इस तरीके का फैसला हुआ। लेकिन अलादा ये बात है कि वहां पर कोई अभी चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में चुनाव है, लगभग 15 दिन बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में आप केवल एक धर्म विशेष को केंद्रित करते हुए केवल ऐसा लगता है कि तुष्टिकरण की राजनीति साफ होती नजर आ रही है, और वोट बैंक बनाए रखने के लिए कांग्रेस की चाल है। लेकिन कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि अगर आप एक भावनाएं आहत करेंगे तो एक बड़ा वर्ग जो बहुसंख्यक का है वो भी विरोध में हो सकता है। जी गरिमा, और तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि सियासत के स्तर को आप कितना गिराएंगे। ठीक है, सत्ता पाने का ख्वाब आपका हो सकता है, लेकिन इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए आप सियासत के स्तर को और ज्यादा नहीं गिरा सकते। हिम, बेहद शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन जाहिर है अब चुनावी मौसम है और इसीलिए सत्ता वापस पाने का ख्वाब कांग्रेस के तमाम लोगों में है, और खासतौर से मुख्यमंत्री हरीश रावत का अगर जिक्र किया जाए तो उनके तो ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, और इसीलिए इस मौसम में एक के बाद एक लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं हैं, फैसले हैं, लेकिन वो फैसले सरकार की अपरिपक्वता का परिचय ज्यादा दे रहे हैं। तो इस मौसम में कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिन्होंने कराई है सरकार की फजीहत, दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। जीत के लिए हरीश सरकार के चुनावी फंडे, कंगाली में दे दिया 7वें वेतन आयोग का तोहफा, मुस्लिमों के लिए 2 घंटे का नमाज अवकाश, क्या तुष्टिकरण की तिकड़म से मिलेगी सत्ता? सरकार को अपने हर फैसले में वोटों की फसल दिख रही है, लिहाजा फैसले बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार से लिए जा रहे हैं। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा दे दिया, वो भी ऐसी हालत में जब सरकार वैसे ही कंगाली का रोना रो रही। अब सवाल ये है कि 3,000 करोड़ का सालाना भार कैसे वहन होगा, और अगर फैसला वाजिब भी था तो घोषणा आचार संहिता से चंद दिन पहले ही क्यों? इतना ही नहीं, सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को जुम्मे की नमाज पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक अल्प अवकाश दे दिया, जिस पर विपक्ष को मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण की सियासत की बू आ रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या दूसरे धर्म के कर्मचारियों के लिए भी ऐसा प्रावधान होगा? इतना ही नहीं, सवाल तो सरकार की खनन नीति पर भी उठ रहे हैं कि क्यों आरक्षित क्षेत्रों में खनन का काम निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया? क्या ये सरकार का निजी खनन कारोबारियों से प्रेम ही है जो आपदा की आड़ लेकर रिवर ट्रेनिंग नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिला दी? हमने नीति बना दी है और उस नीति के तहत स्ट्रिक्टली खनन व्यवस्थित तरीके से करवाया जाए, रेगुलेटेड खनन करवाया जाए, उस पर हमारा फोकस। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं सरकार से आज ही बात कर लूंगा, अगर इस तरह का कोई प्रकरण है मेरी संज्ञान में नहीं। वहीं विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है कि ऐसा लगता है कि चुनाव होते होते चांद तारे तोड़ने तक की घोषणा सरकार कर देगी। ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है, ये सब होते रहेंगे 2017 तक। अगर आचार संहिता अभी नहीं लगती है तो अभी तो आप देखेंगे कि आकाश से तारे तोड़ने का भी कैबिनेट में फैसला हो जाएगा। साफ है चुनावी समर में हरीश सरकार अपनी पूरी झोली भर लेना चाहती है, मगर सवाल ये है कि क्या जनता घोषणा भर से खुश हो जाएगी? 5 साल क्या किया इसका जवाब नहीं देना होगा। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश की हरीश रावत सरकार हर वो फैसला कर लेना चाहती है
जिससे उन्हें वोटों में फायदा हो, इसलिए तमाम ऐसे फैसले कैबिनेट के जरिए सरकार ने कर दिए हैं जो आगामी चुनाव में उन्हें वोटों में फायदा पहुंचाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन फैसलों से जो इरादा सरकार ने फैसला करके किया है, क्या वो पूरा भी हो पाएगा। कैमरामैन रूपेश व पवन रावत के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। तो सूबे के मुखिया हरीश रावत ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि अब कुर्सी सत्ता दरअसल सिर्फ कुछ दिनों की बाकी है। आने वाले समय में पता नहीं जनता वापस कुर्सी सौंपेगी या नहीं सौंपेगी, और इसीलिए लगातार फैसलों की झड़ी है, लगातार घोषणाओं की झड़ी है। और ये वो घोषणाएं, ये वो फैसले हैं जो लोकलुभावन है और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बहुत तेजी से बेहद फुर्ती के साथ नए दर्जाधारी भी बनाए जा रहे हैं। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरी वक्त में हरीश सरकार ने खोले दोनों हाथ, गंगाल राज्य के सीने पर बिठाए नए दर्जाधारी। सरकार चुनावी रेवड़ियों से जीतेगी सत्ता की रेस। हरीश रावत ने जब सत्ता संभाली तो मंत्रियों को पोर्टफोलियो देने में महीना भर लग गया, और दायित्व देने में तो इतनी कंजूसी बरती कि संगठन लिस्ट पर लिस्ट थमाता रहा, लेकिन साहब शांत बैठे रहे। और जिसे कुछ दिया भी, तरसा तरसा कर, तड़पा तड़पा कर, और कहा कि दायित्व दूंगा विकास के लिए, काम के लिए, लेकिन अब कार्यकाल समाप्त होने को है तो सारे वादे और इरादे पानी के बुलबुलों की तरह फूट निकले हैं, और सत्ता का वही रेवड़ियां बांटने वाला घिसा पिटा फॉर्मूला आजमाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता रविंद्र जैन को हिल्ट्रॉन का चेयरमैन बना दिया गया है, तो वहीं अति पिछड़ा कल्याण परिषद में संतोष कश्यप को अध्यक्ष और AS बंजारा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मनोरमा हरधर और अमीन हसन को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। परिषद में 9 सदस्य भी नामित किए गए हैं। सरकार के इस तरह दायित्वधारी बनाने पर विपक्षी भाजपा का कहना है कि लूट में सबको हिस्सा देने के लिए जिम्मा दिया जा रहा है। आपको मालूम है 10 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, तो ये तो सीधी सीधी लूट है। ये तो सीधा सीधा लाइसेंस आप इशू कर रहे हैं कि मैं जाते जाते आपको उत्तराखंड की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई से कुछ लूट करने का लाइसेंस दे करके जा रहा हूं। विपक्ष जो भी सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस संगठन अपनी सरकार की तारीफ के पुल बांध रहा है। जहां पर है आवश्यकता है वहां पर वो लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं। अरे भाई चुनाव आ रहे हैं तो क्या हो गया, चुनाव में भी वो लोग काम करेंगे। साफ है चुनावी मोड में जमकर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, मगर सवाल ये है कि इन चुनावी रेवड़ियों से सरकार सत्ता की रेस जीत लेगी। कहने को लक्ष्य निर्धारित कर दायित्व देने का दावा किया जाता है, लेकिन सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिम्मा लेने वाले कौन सा टारगेट पूरा करेंगे, इसे समझना थोड़ा पेचीदा है। पर सियासतदानों को क्या, उन्हें तो जाते जाते भी सत्ता की थोड़ी सी मलाई मिल जाए तो क्या बुरा है। कैमरामैन इलियास के साथ में प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। और अगली खबर का रुख कर ले जिक्र बीजेपी विधायक गणेश जोशी का, जो अपने समर्थकों के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ देहरादून छावनी परिषद के CEO का घेराव करने पहुंचे। यहां जमकर इन तमाम लोगों ने हंगामा किया, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान CEO ने जल्द तमाम समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया और उसके बाद विधायक गणेश जोशी ने अपना धरना खत्म किया। इस मौके पर उन्होंने बयान भी दिया और ये कहा कि जल्द ही क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता है तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। DFO, DHO? अरे जो भाई साहब कह रहे हैं आप DFO करें, DHO करें, किसे देखिए, अधिकारी तो ट्रांसफर होते हैं, आते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बिगड़ता। अगर मान लिया किसी अधिकारी ने कोई कमिटमेंट किया होता है, वो फाइल पर होता है, नोट्स पे होता है। और अब बात सूबे की सरकार के एक और शिगुफे की। वैसे तो असलियत में प्रदेश में मेट्रो कब चलेगी नहीं चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ चुनावी मेट्रो जरूर चलने जा रही है। और चुनावी मेट्रो का शिगुफा छेड़ा गया है आचार संहिता लगने से थोड़े ही दिनों पहले। और आपको बता दें कि मंगलवार को DMRC के साथ सरकार अनुबंध करेगी। DMRC 5 महीने में DPR और फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगा, इसके बाद आगे का रास्ता तय होगा। साफ है चुनावी
मोड में अब राज्य नजर आ रहा है, लिहाजा सरकार जनता को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि ये बात अलग है कि राज्य पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है, करोड़ों के प्रोजेक्ट मेट्रो रेल के बाबत करार सरकार करने को आमादा है। सचिव नागरिक उड्डयन ने बैठक कर इस पूरे प्लान का खुलासा भी किया और सवाल यही है कि जिस राजधानी में कूड़ा निस्तारण और जल भराव से निपटने तक के इंतजाम नहीं है, वहां मेट्रो की कल्पना वाकई बचकाने लगती है। अपने प्री फीसिबिलिटी स्टडी में जो प्रपोज किया है वो अलाइनमेंट एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे के जो सेंट्रल वर्ज हैं उसी के ऊपर पिल्लर खड़ा करके करने का है, या अगर हमको राइट ऑफ वे मिलता है एनएचए तैयार हो जाते हैं तो अपग्रेड भी हम लोग कर सकते हैं। आचार संहिता से चंद दिनों पहले सरकार जनता को मेट्रो का सपना दिखा रही है और कोशिश इस बात की है कि उसकी चुनावी प्लेटफॉर्म पर मेट्रो को दौड़ाया जाए, लेकिन जिस राजधानी में फ्लाईओवर बनने में 5 साल लग गए हों वहां क्या मेट्रो समय से आ पाएगी, ये बड़ा सवाल है, वो भी तब जबकि राज्य चुनावी मोड में जा रहा है और डीपीआर आने में ही 6 माह का वक्त लगेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट और रूपेश नेगी के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। जी हाँ, सवाल तो कई है लेकिन सवालों का जवाब देने के मूड में सूबे की सरकार बिल्कुल नहीं है। और इस बीच टिहरी से हुंकार भरते नजर आए सूबे के पर्यटन मंत्री दिनेश धने। टिहरी पहुंचे, यहीं से विधायक हैं और यहां पहुंचकर साफ कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भले ही मुख्यमंत्री उन्हें कहें कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लो, फिर भी वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। आपको बताएं दरअसल कि यहां पर पीआईसी कॉलेज मैदान में महिला सम्मेलन रखा गया था और ये सम्मेलन दिनेश धने ने ही रखा था, जिसमें टिहरी विधानसभा की 5 से 6 हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया। और यहीं पर दिनेश धने ने साफ कर दिया कि मैं टिहरी से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, भले ही मुख्यमंत्री हरीश रावत मुझे कांग्रेस से चुनाव लड़ने को भी कहें। दरअसल टिहरी विधानसभा से कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए लग ये जरूर रहा है कि हो सकता है यहाँ से किशोर उपाध्याय चुनाव लड़े। जिस तादाद में महिलाओं ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे आश्वस्त किया कि जो काम करेगा वही जनता के साथ रहेगा, वही हमारा नेतृत्व करेगा, ये जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब मैं समझता हूँ अब किसी को मुकालते में रहने की जरूरत नहीं है। और तारीख 21 दिसंबर की भी महत्वपूर्ण है। दरअसल 21 दिसंबर को पहुंच रहे हैं संतोष गंगवार, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और यहां पहुंचकर बहुत सारी योजनाओं का उन्हें शुभारंभ करना है। आपको ये भी बता दें कि मोबाइल एटीएम को खोले जाने की बात भी जो कही गई है उसकी भी घोषणा यहीं से होगी 21 दिसंबर को। और दिसंबर के अंतिम हफ्ते में पौड़ी जिले के अलग अलग हिस्सों में मोबाइल एटीएम शुरू करने की बात कही जा रही है ताकि लोग जो परेशान है कैश की किल्लत से उनकी परेशानी खत्म हो पाए। दरअसल यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बुलाने की बात कही थी, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अरुण जेटली ने यहाँ वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार को भेज दिया है। 21 दिसंबर को भारत के वित्त राज्य मंत्री जी हमारे संतोष गंगवार जी और हमारे गढ़वाल सांसद माननीय भुवनचंद खनुड़ी जी ग्राम कोठला में स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं और उनके देहांत के बाद किसी ने उनकी सुधने ली, हम लोग एक ऐतिहासिक काम करने वाले हैं और उस दिन भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे खनुड़ी जी, उनके लड़के, उनकी माता जी उस ऐतिहासिक क्षण में वहाँ रहने वाले हैं। दौड़ से पहले दौड़ हार जाने का गम क्या होता है, ये दरअसल ये 58 विधायक बखूबी जानते हैं क्योंकि 2012 में इन्होंने जो खर्च किया उसका ब्यौरा इन्होंने चुनाव आयोग में जमा नहीं कराया और इसीलिए चुनाव आयोग ने इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और ऐसे में 2017 के चुनाव में दावेदारी करने की जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई है। हालांकि प्रभावित पक्ष ने अदालत में जाने की तैयारी जरूर की है लेकिन आयोग की तरफ से भी साफ कर दिया है कि आयोग के पास 2012 के खर्च का ब्यौरा नहीं जमा कराया गया तो 3 साल का जो प्रतिबंध है वो बना रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की इस पर अलग अलग राय है। बीजेपी नेता आयोग के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष आयोग से बात करने की बात भी कह रहे हैं। जानकारी मिली है कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम भी उसमें दिए हैं जो लोग चुनाव लड़े हैं। अब जो चुनाव लड़े हैं अगर आप उन्हीं को ये कह दीजिए कि साहब ये तो जो है यहाँ रह ही नहीं सकते तो वो मेरे ख्याल से एक चिंता का विषय है। जो नियम है नियमानुसार कदम लिया है तो उसको हम चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो नियम और कानून है
और नियम कानून को बनाने वाले उनकी पालना नहीं करेंगे,